So, right now we are probably the screen is visible to you. So, we are into deflection of beams. So, let us take a beam. And let this be of 10 Newton per meter. Okay, so this is A, let this be B, this be C. So let the reactions be R and RB. Actually, I'll not be calculating the reactions. We'll be writing down the straight away the equation of moment. I believe that you will be able to determine the reactions. So starting with, let us take a section. So let us take a section which is located at a distance x. So if you write the equation for moment at a distance x, it is given by Ra into x minus, this is 10. The load is how much? Till here. If you want to write down the equation for load until here, how will you write? Ten into x square by 2. This is one option. This is another option is x minus 4 whole square by 2 minus 10 x minus 6 whole square by 2. So now you have these three options. You let me know which option is correct. Okay. So Haji, anybody of you, let these options be called as 1, 2 and 3. Or do you have any fourth option? Haji? Ekansh Parasar? Ekansh? अरे सुनाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? सुनाई तो पड़ना चाहिए। Anybody of you, please tell me which one is correct, 1, 2 or 3? Or you have any fourth option? Sir, third. Kaun bola hai? Sir, Divyansh. Divyansh. So, anybody else? अरे बताओ ना, गैस ही मारो, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जो चीज पढ़ाई नहीं गई, हाउ डू आई एक्सपेक्ट कि आप पहले से बता दोगे?
हेलो हेलो। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे हिसाब से तो सर 10x6 तो सर लोड हो गया हाँ यूडीएल का, और सर हाँ x/2 डिस्टेंस हो गया अगर हम माने एक्स पे निकाला। आपके पास एक चौथा ऑप्शन है 10x6 x/2, ये हाँ ना? ठीक, चलो। एज फार एज योर पार्टिसिपेशन सीम्स, आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ यू आर आइदर नॉट अंडरस्टैंडिंग और डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, और यू हैव केप्ट योर सेल्फ सेट मोट मोट, सो आई कैनॉट हेल्प इट। मीन्स मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ, आगे बढ़ो, पूछो। ट्राई टू मेक दिस ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑल्सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिस इज द मेथड बाई विच वी बोथ हैव टू सर्वाइव। अब देखो, लेट अस फाइंड आउट बी एम एट लेट अस से 2 मीटर्स फ्रॉम ए। सो इफ यू फाइंड आउट बी एम एट 2 मीटर्स फ्रॉम ए, लेट अस से हियर, सर x-5 का होल स्क्वायर बाय 2 हो सकता है सर? एक्स माइनस नहीं सर 10 ब्रैकेट में x-5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो कांस्टेंट हो गया ना, फिर वेरिएबल कहां से रहा? इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए ना। तुम जो बोल रहे हो 10x5, नो सर ये एक्स ना, माइनस फाइव का एक्स नो सर माइनस एक्स फाइव कह रहा एक्स था, माइनस फाइव सही जो एक्स लास्ट का माइनस ऑप्शन है फाइव। ना ठीक है, चलो। x-6 की जगह पे 5। हाँ ठीक है, यू आर गिविंग मी अनदर ऑप्शन 10x-5 होल स्क्वायर बाई। ठीक, नाउ लेट अस फाइंड आउट बी एम एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर्स, इट हैज टू जस्टिफाई। तो बी एम एट टू आपके कैलकुलेशन के अनुसार जो अभी तक आपने पढ़ा है वो क्या होगा? आर ए इंटू टू माइनस 10x2x1, यही होगा ना? अब यस देखो, सर। अगर आप इस पे आओ तो ये सेटिस्फाई होता है। बी एम एट टू अगर आप इसमें पुट कर दोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ये वन जो है दिस इज एक्चुअली 2/2, 2/2 तो ये इस पे सेटिस्फाई हो गया। अब इस पे आ जाओ, x इज इक्वल टू 2, ये नेगेटिव हो गया। ब्रैकेट के अंदर का टर्म नेगेटिव, अगर इफ द टर्म विद इन द ब्रैकेट इज नेगेटिव इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट्स एक्सपोनेंट इज, इट हैज टू बी नॉट कंसिडर्ड। सो आपका इस यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, इस पे आ जाओ 10x6, ये भी नहीं हो पाया क्योंकि 10x2x1 चाहिए, ये भी नहीं आएगा। x इज इक्वल टू अगर 2 भी पुट कर दो तो 10x6x1 हो गया, जबकि 10x2x1 आना चाहिए था। यहाँ पे आ जाओ, ब्रैकेट के अंदर का टर्म नेगेटिव है, यू हैव टू एलिमिनेट इट। सो ऑल दीज आर रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ठीक, नाउ लेट अस से एट x इज इक्वल टू 8 मीटर्स, इफ यू आर एट x इज इक्वल टू 8 मीन्स यहाँ पे, सो बी एम एट x इज इक्वल टू 8 क्या होता? आर ए इंटू 8 माइनस 10x6 x 3+2 5, ये होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप 8 मीटर पे निकाल रहे यहां पे, सो आर ए इंटू 8 हो गया, यहां आर ए इंटू 8, ये सही है। अब जब आप 8 मीटर में हैं तो आपका पूरा यूडीएल कवर हो चुका है, तो ये 10x8, 10x6 हो गया। रिजॉल्व कहाँ हुआ? सी से 3 मीटर पे, तो यहां से तो 5 मीटर हो गया। सो 2+3 इज 5, सो दिस शुड हैव बीन 10x6x5। इफ यू लुक एट दिस, नन ऑफ दिस 5 एक्चुअली कंफर्म टू दिस सिचुएशन। ओके, सो एट सम पोजिशंस वन इज करेक्ट, एट सम अदर पोजिशन प्रॉब्ली यू मे अराइव एट अनदर पोजिशन वेयर सेकेंड वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन गोज रॉन्ग। सो यू हैव टू राइट वन जनरल इक्वेशन विच इज नॉट पॉसिबल बाई एनी ऑफ दीज मेथड्स, इट इज नॉट पॉसिबल बाई एनी ऑफ दीज मेथड्स। सो दिस वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट वॉट यू हैव what you understand about uniformly distributed load for writing down the
bending moment equation, general equation is wrong till here. Okay, so should I rub this? गलत कॉपी भी क्यों करोगे? मिटाओ? Yes sir. Yes sir. कि रुक जाओ थोड़ी देर? नहीं नहीं मिटा दी. अब आ जाओ देखो सही क्या है. Look in the case of, in case of uniformly distributed load, the load should extend till x is equal to L, irrespective of wherever it starts. लोड शुरू कहीं से भी हो, खत्म x इज इक्वल टू एल पे नहीं होगा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो यू हैव टू फाइंड आउट अ मैकेनिज्म वेयर दिस लोड हैज टू फिनिश एट x इज इक्वल टू एल. मैंने जहां तक आप x जाएंगे वहां तक UDL जाना चाहिए, नहीं है तो पहुंचाओ. तो इसका एक सोल्यूशन तो ये हो सकता था कि हम ये प्रॉब्लम यहां से सॉल्व करें. टेक दिस डिस्टेंस एज x, आप इसको x ले लो सॉल्व हो जाएगा. ठीक, दिस इज वन मेथड. नाउ इफ यू हैव अ सिचुएशन where this is the load, तो ना दाएं से सॉल्व होगा ना बाएं से सॉल्व होगा, क्योंकि एट इफ यू टेक एक्स हियर देर इज नो यूडीएल, दिस पोर्शन हैज नो यूडीएल, देर शुड नॉट बी अ गैप इन यूडीएल. शुरू कहीं से भी हो, यहां से शुरू हो, यहां से शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो, खत्म उसको एक्स इज इक्वल टू एल पे होना है. If it does not happen, make it happen. So in this case, what you will do is, let me add a load. This was 10 Newton per meter. What we do in these cases is, we add a load and we subtract load. So this equation now becomes m is equal to ra into x minus जो ऊपर वाला पूरा लोड है उसके लिए हो गया x square by 2, और जो नीचे वाला है वो कितना हो गया, this is plus x minus 6 whole square by 2. So this is the final format in which the equation has to be written. ठीक, ये plus क्यों है, क्योंकि ये जो है it will start producing an anti-clockwise clockwise moment. Clockwise moments are negative. Sorry, positive. So it is replaced by a positive sign. ठीक, अब let us verify it. Put x is equal to 2. X is equal to 2 लिखोगे, ये है, ये है, ये रहेगा नहीं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का टर्म नेगेटिव है. तो x is equal to 6 तक तो मजा आएगा, इट विल मेक नो डिफरेंस. नाउ पुट x is equal to 8. इफ यू पुट x is equal to 8, यू गेट ra into 8 माइनस 10 into 8 square by 2 plus 10 into, this is 8 minus 2, 2 square by 2.
ओके सो ये तो अपनी जगह था ही. सो माइनस ये कितना हो गया, 10 इंटू 8 होगा ना. हाँ ठीक. सो 8 स्क्वायर हो गया 320. अब लेट अस टेक 10 कॉमन, माइनस 10 कॉमन ले लो, या फिर सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं यार. अब सर 320 लिख लीजिए ना, माइनस 320 प्लस 20. तो ये कितना हो गया, माइनस 10 इंटू 8 स्क्वायर का मतलब 8 हो गया 4 इंटू 32, 8 8 64. ठीक है, प्लस एक दो दो कट गया, प्लस 20. तो ये हो गया माइनस 320 प्लस 20, दिस इज 300. और वो कितना था सर, माइनस 300, माइनस 10 इंटू 6 इंटू 5, ये भी माइनस 300 था. ठीक है, सो इट इज वेरीफाइड. पिछले इक्वेशन में यही तो लिखा था, माइनस 10 इंटू 6 इंटू 5. So at every value of x, it will be verified. So in the case of uniformly distributed load, what you have to keep in mind that the UDL may start from any location on the beam, but it has to end at x is equal to L. If it does not end, increase a certain amount of load and decrease the same amount of load. ठीक है, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा पूछो, प्रॉब्लम्स इसी तरह के आएंगे. सर सर ये एक्स माइनस सिक्स की जगह सर हम फोर नहीं ले सकते, एक्स माइनस फोर अपॉन टू. देखो नहीं कर सकते, यहाँ पसंद नापसंद वाली बात नहीं है, यहाँ बात है मैथमेटिक्स वाली. जब तुम यहाँ पे अगर ये तो समझ में आया ना कि आपको कितना क्वांटिटी बढ़ाना और कितना कम करना है. यस सर. ठीक है, तो जब ऊपर वाला ले लो, तो ऊपर वाला तो पूरा सिंगल यूडीएल है, तो वो 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया. अब ये आ गया नीचे वाला. अगर ये नीचे वाला 6 के बाद से तो शुरू ही होगा, तो अगर 6 के बाद से शुरू हो रहा है तो ये x माइनस 6 ही होगा, क्योंकि x जब तक x की वैल्यू 6 नहीं होगी ये आपको यूडीएल दिखेगा ही नहीं. इक्वेशन लिखने का संदर्भ क्या है कि आप x की कोई भी आर्बिट्री वैल्यू पुट करिए, x कैन वेरी बिटवीन, x वेरीज बिटवीन 0 टू L. हियर इट इज 0 टू 10. तो जब तुम 6 मीटर पार नहीं करोगे तब तक तो तुमको ये यूडीएल दिखेगा ही नहीं. तो अगर तुम x माइनस 4 लिख देते हो तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 5 आपको ये यूडीएल दिखना चाहिए, लेकिन दिखा तो नहीं ना. ठीक है, तो टेक्निकली लॉजिकली तो ये गलत हो गया. अब आ जाओ मैथ्स पे. अगर आप इसमें x माइनस 6 की जगह x माइनस 4 लिखते तो ये 4 स्क्वायर बाई 2 होता ना.
तो यहाँ 300 आता ही नहीं सर। तो आंसर तो किसी भी तरीके से वही आना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है कि जो हमने सेकंड ईयर में पढ़ाया उससे आंसर 300 आएगा, जो हम थर्ड ईयर में पढ़ाया उससे सेम बीम का आंसर 350 आ जाए। साल बढ़ गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेंडिंग मोमेंट बढ़ जाएगा। सो द आंसर्स बाई एनी ऑफ द मेथड, लेट इट बी अ क्रूड मेथड दैट वी हैव टॉट यू इन सेकेंड ईयर, और लेट इट बी एन डेवलप्ड मेथड वेर यू आर राइटिंग अ जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन और यू आर प्रिपेयरिंग अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम। इन ऑल द केसेस द आंसर्स विल रिमेन द सेम। Your concept, your method of understanding, it may change, but you cannot change the answers. मिटाओ इसको। Yes, sir. Should I rub this? Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ। दिस इज अ बीम। एक्सक्यूज मी प्लीज। केवल नौ बच्चे चल रहा है, आ जाओ। दस मिनट और आ जाओ। हाँ, सो लेट दिस बी ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड दिस इज 10 न्यूटन पर मीटर। लेट दिस बी 2 मीटर्स, लेट दिस बी 6 मीटर्स, लेट दिस बी अगेन 2 मीटर्स। Okay, so I'm assuming that you will be able to find out the reactions, so I'll not find out the reactions. If you write down the equation for M, so M is, we have taken an element at a distance x, so Ra into x minus, now you can see that UDL does not go to x is equal to L, means it starts from wherever position, it does not matter. It has to finish at x is equal to L, that means it has to go until the last point. So this is what we have discussed. So if it is not going, what we are doing is we are adding load and we are subtracting. So we have added some portion of the load and we have subtracted. So once we have added the load, what happens is this now is a uniformly distributed load which starts after x is equal to 2 and it goes until x is equal to L or the end point. So this is 10, so this is 10 into x minus 2 whole square by 2. So this is for the load which is on the top. And you have reduced also a certain amount of load. You are compensating. थोड़ा आपने add किया, थोड़ा आपने कम किया. So this is 10 into x minus 8. Why x minus 8? Because this load starts after 8 meters. It has to end. It is ending at this position. It starts after this position. So this is your final equation. Now you take the same beam
एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल ऑलवेज बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली. यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन इन एनी पॉसिबल मैनर. So this is RB. This is. So now let us take this section. This is X. So what do you have as a general equation? RB into X. Now again you can see that it is not finishing at X is equal to L. So you are adding some load. And you are subtracting something. So the equation now becomes: this is 10, this is 20, minus 10 into x minus 2 whole square by 2 plus, पिछले वाले में I had forgot to write minus 20 into x minus 2. ये जो पॉइंट लोड था इसको मैंने लिखा ही नहीं है. सो दिस हैज टू बी माइनस 20 इनटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 10 इनटू द लोड दैट यू हैव सब्ट्रैक्टेड 10 इनटू दिस विल बी एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर बाय 2 एंड अगेन दिस इज माइनस 20 इनटू एक्स माइनस 8. So, if you are solving from the problem from right to left, this is your moment equation. If you are solving the problem from, this is when you are solving it in this direction. If you are solving the same problem in this direction, this is your equation. Again, you need to put any of them into this equation. EI d2y by dx2 is equal to m. Solve. Or you can say integrate twice. And at x is equal to 0, you have y is equal to 0. At x is equal to L, you have y is equal to 0. So these two are your boundary conditions. And you can calculate either the slope at required point if you find out the location at if you find out put dy by dx is equal to 0, you can calculate the location where the deflection will be maximum and you can put down respective values and calculate y at any respective point, or you can find out y max depending upon the requirement of the problem. Okay, so